सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। लखनऊ दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सीएम योगी से मिलने पहुंची। कानपुर जिला अस्पताल उर्सला में 85 संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। विधायक लल्लू को मिलेगी यूपी प्रदेश कांग्रेस की कमान, हाईकमान जल्द करेगा ऐलान। डीजीपी का आदेश, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस वालों पर लगेगा 2 गुना जुर्माना। आईएएस उमेश प्रताप सिंह के खिलाफ पत्नी की हत्या के आरोप में केस। मथुरा में भट्टा मालिक ने मजदूर की पत्नी का किया रेप। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए 81 मामले। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी नुकसान, एक व्यक्ति की मौत, कई मकान बहे। उत्तराखंड में ट्रैफिक के नए नियम लागू होने के बाद 25,000 रुपए का पहला चालान कटा। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।